चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू और मुन्नू आपस में भाई भाई थे। चुन्नू बड़ा और मुन्नू छोटा था। चुन्नू की उम्र 10 साल और मुन्नू की उम्र 7 साल थी। इन दोनों बच्चों के अम्मी अब्बू अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। चुन्नू और मुन्नू को उनके दादा और दादी ने अपने घर में रखा हुआ था। चुन्नू और मुन्नू इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनके दादा अब्बू दादी अम्मी और चचा बड़े खुदा तरस थे। एक दिन चुन्नू ने अपने छोटे भाई मुन्नू से कहा, देखो भाई, अब हम बचपन के दौर से निकल कर जवानी के तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अपने दादा अब्बू दादी अम्मी और चचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, हमारा हर तरह से ख्याल रखा। यहाँ तक कि उन्होंने हमें स्कूल में दाखिल करवा कर अच्छा इंसान बनाया। अब वक्त आ गया है कि हम भी उनका हक अदा करें। जब तक हम मुकम्मल जवान होकर आला तालीम हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमें उनकी खूब खिदमत करनी चाहिए ताकि अल्लाह मियाँ हमसे खुश और राज़ी हो जाए। मुन्नू ने अपने बड़े भाई चुन्नू की हाँ मिलाई। दोनों भाइयों ने ये अहद किया कि अल्लाह ना करे अगर हमारे दादा दादी और चचा पर कभी कोई मुसीबत आ गई तो हम हर मुमकिन तरीके से उनकी खिदमत करेंगे। वक्त गुजरता चला गया। चुन्नू और मुन्नू ने जवानी में कदम रख दिया। अब दोनों भाई स्कूल के बजाय इकट्ठे सुबह कॉलेज जाते और इकट्ठे घर वापस आते। सभी लोग इन दोनों भाइयों और उनकी तालीम से बहुत खुश थे। एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शैतान ने बड़े भाई चुन्नू को वरगलाया और उसने अपने छोटे भाई मुन्नू को बहुत मारा और इसकी तमाम चीज़ें अपने कब्जे में कर ली और अकेला ही घर को आ गया। जब इसके दादा दादी और चचा ने चुन्नू से पूछा कि तुम्हारा भाई किधर है, वो तुम्हारे साथ कॉलेज गया था मगर इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं आया, आखिर क्या हुआ है? चुन्नू ने झूठ बोलते हुए कहा कि दादाजी, मुन्नू कॉलेज से छुट्टी करके अपने किसी दोस्त के साथ फिल्म देखने सिनेमा गया है। दादाजी को फिक्र लाहिक हुई कि वो मुन्नू जो हमेशा अच्छे नौजवानों की तरह सीधा कॉलेज जाता और फिर चुन्नू के साथ मिलकर सीधा घर आता, आज उसे क्या हो गया है कि सिनेमा जाकर फिल्म देखने लगा है। बहरहाल दादाजी को फिक्र लाहक हो गई और उन्होंने चुन्नू को साथ लेकर मुन्नू की तलाश शुरू कर दी। चुन्नू के दादाजी ने आस पास इधर उधर गली महल्ले के अलावा हर जगह उसे तलाश किया मगर वो कहीं नहीं मिला। हार कर थक हार कर दादाजी और चुन्नू घर वापस आ गए। जब मगरब की नमाज का वक्त हुआ तो दादाजी नमाज पढ़ने लग गए जबकि चुन्नू अपनी किताबें और दिगर सामान खोलकर बैठ गया और हल्की पुल्की शरारत और मुस्कुराहट के साथ नमाज पढ़ने के बजाय एक जगह बैठकर दिखावे की खातिर किताबों का मुताला करने लगा। इसका साफ मतलब था कि चुन्नू जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका है और उसे अब किसी की परवाह नहीं है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो दादाजी को मुन्नू दिखाई दिया। वो खुशी से पागल हो गए। यही हाल दादी जान और चचा जान का था जबकि चुन्नू शर्मिंदा हो गया क्योंकि उसका झूठ पकड़ा गया था। मुन्नू ने थोड़ी देर सताने के बाद असल हकीकत से अपने दादाजी को आगाह किया तो उसके दादा दादी हैरान रह गए। मोनू ने बताया कि वो कोई फिल्म देखने नहीं गया बल्कि कॉलेज के प्रोफेसर साहब अपने घर में मीलाद में उसे शामिल होने के लिए ले गए थे, उसने कोई गलत काम नहीं किया। चुनू ने झूठ बोला है। दादा और दादी को चुनू पर गुस्सा आया।
इससे पहले वो चुन्नू के खिलाफ कोई कदम उठाते कि चुन्नू को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने झूठ बोला है। बहरहाल मुन्नू और दादा दादी जी ने चुन्नू की गलती से दरगुजर किया और इसके झूठ के पकड़े जाने के बावजूद माफ़ कर दिया। चुन्नू शर्मिंदा सा हो गया। दादी जी ने मुन्नू के साथ चुन्नू को नसीहत की कि आइंदा वो झूठ नहीं बोलेगा और सच्ची बात कहेगा। चुन्नू ने माफ़ी मांग ली और एक मर्तबा फिर सब लोग इत्तेफाक से इकट्ठे रहने लगे। सच है कि झूठ बोलना बुरी बात है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कैसी कहानियाँ पसंद हैं कमेंट में बताएं। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।